वेलकम टू पुरातन सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज ई क्लासेस। माई सेल्फ सुनील शर्मा। और दोस्तों, कल हमने पढ़ा था एक्टिव एंड पैसिव के स्पेशल रूल पार्ट फर्स्ट। आज हम स्टडी करेंगे एक्टिव एंड पैसिव स्पेशल रूल पार्ट टू। कल हमने इसके बारे में कुछ ऐसी वर्ब्स की स्टडी की थी जिन वर्ब्स के बाद में इन, एट, विद, ऑन, टू ये प्रीपोजिशन आते हैं, बाय का यूज नहीं करते। आज हम कुछ ऐसे स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे जो टू लेकर के आते हैं, ऐसे सेंटेंस हैं जिनमें टू आता है। तो फर्स्ट सेंटेंस देखें, जैसे एक्टिव में ही इज टू हेल्प मी। इस सेंटेंस में देखें, ये जो इज है ये आपकी बी वर्ब का रूप है। तो ही इज टू हेल्प मी, यदि हमारे एक्टिव में बी वर्ब का रूप आ जाए, इज एम आर वॉज वर्ब ये आ जाते हैं और उसके बाद में हो टू, तो जब भी इसे हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो पहले तो कॉमन रूल्स वही कि एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये हो गया आई, ही के साथ एज आया तो आई के साथ एम आ जाएगा, आई एम, टू आएगा और टू तथा हेल्प जो मेन वर्ब है इसके बीच में हम बी लगा देते हैं, आई एम टू बी हेल्प्ड, क्योंकि पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, सब्जेक्ट था ही को पीछे लाए, आई एम टू बी हेल्प्ड बाय हिम, ही इज टू हेल्प मी, सेंटेंस हमारा बना आई एम टू बी हेल्प बाई हिम। सेकेंड सेंटेंस देखें, मोहन वॉज टू हेल्प हर, इसको भी हम चेंज करेंगे पैसिव में, हर को आगे लाएंगे सी हो जाएगा, सी वॉज टू बी हेल्प्ड बाय, आगे सब्जेक्ट मोहन था पीछे लाके ऑब्जेक्ट बना देंगे बाय मोहन, तो मोहन वॉज टू हेल्प हर, सी वॉज टू बी हेल्प्ड बाय मोहन। ये हमारा सेंटेंस, जरूरी नहीं है कि उसमें बी वर्ब ही आए, वहां पर बी वर्ब आ सकती है, बी वर्ब के अलावा हैज हैव भी आ सकते हैं, हैड भी आ सकता है, तो ये भी कर सकते हैं। मान लीजिए यही सेंटेंस ऐसे होता, ही हैज टू हेल्प हर, इसे पैसे में चेंज करेंगे, सेंटेंस होगा हर को आगे लाएंगे सी हो जाएगा, सी हैज टू बी हेल्प्ड बाय हिम, ही हैज टू बी हेल्प्ड बाय हिम। तो ये सेंटेंस हैं कि यदि हमारे एक्टिव में बी वर्ब के बाद में या हैज हैव के बाद में या विल सेल के बाद में टू आता है मेन वर्ब से पहले, तो हम टू और मेन वर्ब के बीच में बी लगा देते हैं और मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं।
इस तरह से हम अपने सेंटेंस बनाते हैं। कभी कभी हमारा एक्टिव सेंटेंस ये जरूरी नहीं है कि इज एन आर वॉज वर ही आए हैज हैवी आए, वहां पर कैन आ सकता है, कुड आ सकता है, मे आ सकता है, माइट हो सकता है, सुड हो सकता है। तो जब ये वर्ड्स आते हैं हम इस बात का ध्यान रखें कि यदि टू होगा ऊपर तो ही टू नीचे आएगा, अगर ऊपर टू नहीं होगा तो नीचे नहीं आएगा। जैसे सेंटेंस एक देखें, ही शुड हेल्प मी, आगे लाएंगे इसको मी को, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनाएंगे इसे आई, और यदि आपके एक्टिव में पहले से ही शुड है, वुड है, कुड है, मस्ट है, माइट है, तो उसे पैसिव में हम एस इट इज रखते हैं, तो ये हो जाएगा आई के साथ भी यह शुड हो जाएगा। यहां वुड लगाने की गलती नहीं करनी है, वुड केवल उसी कंडीशन में आएगा जब ऊपर भी वुड होगा, एक्टिव में वुड तो पैसिव में वुड, एक्टिव में शुड तो पैसिव में शुड, एक्टिव में कैन तो पैसिव में भी कैन, एक्टिव में मस्ट तो पैसिव में मस्ट। तो इस बात का ध्यान रखें कि जो एक्टिव में है वही पैसिव में, तो आई शुड और बी लगा देंगे, आई शुड बी एम बी थर्ड हेल्प्ड बाय, और ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम। तो सेंटेंस बना आपका आई शुड बी हेल्प्ड बाय हिम, तो शुड वुड आ जाए, मस्ट आ जाए, मे आ जाए, माइट आ जाए, उसके बाद में हम बी लगा देते हैं। इसके बोर्ड में सेंटेंस आता है इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप। तो यदि आपका सेंटेंस एक्टिव वाला इट से स्टार्ट हो तो पैसे भी इट से स्टार्ट होगा। इन सेंटेंसेस में आप इट इज टाइम आता है तो उसे एज इट इज रखना है, इट इज टाइम, और इसके बाद में प्रीपोजिशन लगाते हैं फोर, और फोर के बाद में ऑब्जेक्ट रखते हैं फोर द शॉप। यहां देखें टू आया है, मेन वर्ब आई है, यहां भी टू और मेन वर्ब आई है, तो इनके बीच में हमने क्या लगा दिया, बी लगा दिया, तो यहां भी होगा इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी, और बी लग गया मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी क्लोज्ड, इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड। अब मान लीजिए ऐसे ही सेंटेंस को एक बार फिर से रिपीट करते हैं, इट इज टाइम टू ओपन द शॉप, या टू ओपन द शॉप कर दिए स्कूल कर सकते हैं, और भी कोई चीजें वो कर सकते हैं, तो इट इज टाइम, इसके बाद में क्या लगेगा फॉर, फॉर ऑब्जेक्ट क्या है द शॉप, द शॉप, फिर टू आ जाएगा, टू बी आ जाएगी, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब क्या है ओपन हो जाएगा ओपन, इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी ओपन। ये आपका सेंटेंस बना। तो इस तरह से हम अपने सेंटेंस बनाते हैं, और ये देख लेते हैं इनमें ये सेंटेंस बोर्ड में आपका कई बार आया है, हाई स्कूल बोर्ड में भी आया है और इंटर बोर्ड में भी आया है, तो इसको आप ध्यान से देखें कि इस स्ट्रक्चर के सेंटेंसेस आते हैं तो हम उन्हें इस प्रकार से चेंज कर देते हैं। अब इस सेंटेंस को देखें, वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस,
इस सेंटेंस से हमें एक मोरेलिटी मिल रही है, हमें पता चल रहा है हर व्यक्ति को अपने वायदे पूरे करने चाहिए। तो वायदे पूरे करने क्या है, ये हमारी ड्यूटी है। अगर कोई सेंटेंस ड्यूटी का सेंस लेकर के आता है तो जब भी उसे पैसिव में चेंज करते समय हम इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि जो मेन चीज है मीन्स ये है, जिस सेंटेंस में डूअर मस्ट ना हो, एजेंट मस्ट ना हो, एजेंट इंपोर्टेंट ना हो, आपका कोई भी जो वर्क है, जो ड्यूटी है जिसे उसे कंप्लीट करना है वो इंपोर्टेंट होता है, तो हम केवल उसी पर फोकस करते हैं, एजेंट को फिर नहीं लाते। तो इसमें हमारा जो मेन है वो है प्रोमिसेस। तो प्रोमिसेस अब सुड आ गया, तो सुड का सुड रहेगा और सुड के बाद हम रख देते हैं बी। तो प्रोमिसेस सुड बी केप्ट। यहां पर वन का यूज नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि प्रोमिसेस सुड बी केप्ट ये तो हमारी ड्यूटी है, एवरी वन है उसकी ये ड्यूटी है कि उसे अपने जो प्रोमिसेस उसने किए हैं वो उसे पूरे करने ही चाहिए। तो ऐसे में ये सेंटेंस है वो है वन शुड की वंस प्रोमिसेस, तो प्रोमिसेस शुड बी केप्ट, ये हमारा सेंटेंस है। नेक्स्ट देखें आप, तो अब आपके एक्ट में मान लीजिए सेंटेंस द जज सस्पेक्टेड दैट समवन हैड ब्राइब्ड द विटनेस, ये सेंटेंस भी बोर्ड में आ चुका है। इस सेंटेंस में स्पेशल क्या है कि आप ये तो सब्जेक्ट हो गया आपका, मेन वर्ब हो गई, और जो ऑब्जेक्ट है मेन वर्ब के बाद में वो कनेक्टिव वर्ड दैट से जुड़ा हुआ पूरा एक क्लॉज है। तो जब आपके एक्टिव में कोई क्लॉज आता है किसके रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, तो इस बात का हम विशेष ध्यान रखें कि जब हम उसे पैसिव में चेंज करेंगे तो पैसिव में चेंज करते समय हम अपनी तरफ से सब्जेक्ट इट लगाएंगे। तो इट लगा दिया हमने, अब ये देखें इट आ गया, हमारा जो एक्टिव है वो है पास्ट इंडेफिनिट में, तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी वॉज, इट वॉज, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पर क्या आएगी, वही सस्पेक्टेड, तो इट वॉज सस्पेक्टेड दैट समवन हैड ब्राइब्ड द विटनेस, इट वॉज सस्पेक्टेड दैट समवन हैड ब्राइब्ड द विटनेस, ये सेंटेंस बना हमारा। तो जब भी इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो किसी कंजक्शन से जुड़ा है और क्लॉज के रूप में आया है, ऊपर वाले सेंटेंस में देखें जो हमारी वर्ब है इस वर्ब के बाद में जो हमारा ऑब्जेक्ट आया है वो है द शॉप, वहां कोई कनेक्टिव वर्ड नहीं है, ये क्लॉज नहीं है, लेकिन नीचे क्लॉज आया है। तो जब क्लॉज आ जाएगा तो पैसे बनाते समय हम जो सब्जेक्ट लगाते हैं वो, अब यहां पर चाहे तो वैसे इट वॉज सस्पेक्टेड बाय द जज दैट समवन हैड ब्राइब्ड द विटनेस, लेकिन द जज सस्पेक्टेड इसका मीन्स है जज को संदेह हुआ कि किसी ने गवाह को रिश्वत दी है, तो ऐसा माना गया कि गवाह को रिश्वत दी गई है, तो माना किसके द्वारा गया, जज के द्वारा। तो सामान्य रूप से ऐसा होता है कि जब भी कोर्ट में कोई केस होता है और वो चल रहा होता है, ट्रायल है उसका, और कोई डिसीजन आता है तो फिर ये कहा जाता है कि उसको ये सजा हुई, लेकिन दी किसने, जज ने, तो उस समय
जब ये सेंटेंस आता है वहां पर जज मैन नहीं होता, मैन होता है, उसको दी गई सजा, जो पनिशमेंट उसे मिलता है वो मैन होता है। तो ऐसे ही सेंटेंस में यदि कोई क्लॉज आता है तो हम इट से स्टार्ट करते हैं। अब मान लीजिए आपका जो सेंटेंस है एक्ट पारा, वो सेंटेंस प्लीज से स्टार्ट हो, तो पैसिव वॉइस में वो उसमें इंपरेटिव सेंटेंस में पैसिव में चेंज करते समय यू आर रिक्वेस्टेड टू पुट। यदि आपका एक्टिव सेंटेंस है पीपल से स्टार्ट हो, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये सेंटेंस है। अब पीपल मीन्स लोग, स्पीक बोलते हैं इंग्लिश अंग्रेजी ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में, पूरे संसार में लोग अंग्रेजी बोलते हैं। पैसे में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसमें हम बाय पीपल नहीं करेंगे, तो ध्यान रखें एक्टिव का सब्जेक्ट पीपल होगा तो पैसे में उसे नहीं रखते हैं। अगर इस सेंटेंस को ऐसे बना दिया इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय पीपल, तो इसका मतलब है पूरे संसार में लोगों के द्वारा अंग्रेजी बोली जाती है, तो ये गलत है, क्योंकि जो लैंग्वेज है उसे बोलने का काम लोग ही करते हैं, जानवर तो करते नहीं है, तो इसलिए पीपल आ जाता है तो उसे नहीं रखते वहां पर। तो यहां पर हमारा एजेंट इंपोर्टेंट नहीं है, एजेंट के द्वारा जो वर्क किया गया है वो इंपोर्टेंट है। ऐसे ही समवन हैज पिक्ड माई पॉकेट, किसी ने मेरी जेब काट ली। अब संबंध ये कैसा है, अनसर्टेन है, सर्टेन नहीं है, पता नहीं कौन है। तो जब हमारा जो डूअर है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो अनक्लियर हो, ऐसे टाइम पे जो ऑब्जेक्ट होता है वही आगे आएगा, माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड, माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड। यहां पर संबंध का यूज नहीं करेंगे, सीधा सा है मेरी जेब कट गई। अब जेब किसी ने काटी, किसी ने तो काटी होगी, ऐसे टाइम पे हम जो डूअर होता है उस डूअर का यूज नहीं करते। तो इस तरह से हम ये कुछ स्पेशल रूल्स हैं जिनका यूज करके हम अपना पैसे वॉइस बनाते हैं। तो आप सभी ने ये नोट कर लिए होंगे, ऐसे ही नोट करते चलें, अपना वर्क कंप्लीट करते चलें। थैंक यू।